हेलो, वेलकम टू एडवाइसर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हैं और हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 8 पे ऑफ क्लास 7, दैट इज विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ फायर अलार्म यूजुअली डिटेक्ट्स स्मोक इन केस ऑफ फायर, वेयर शुड सच अलार्म बी प्लेस्ड इन अ रूम। ऑप्शंस है नियर द डोर, ऑन द फ्लोर, ऑन एनी वॉल, ऑन द सीलिंग। तो हमको ये पता है, ये बात हमको पता है कि हॉट एयर राइजेज अप, जो गर्म हवा है हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। जब हमेशा ऊपर की तरफ उठेगी तो अगर हम रूम में उस फायर अलार्म को किसी ऐसी किसी भी जगह रखेंगे, चाहे फ्लोर पे लगा दिया हमने, चाहे डोर पे लगा दिया, किसी वॉल पे लगा दिया, सीलिंग पे लगा दिया, तो आपको पता है यहाँ की जितनी भी गर्म हवा है ये ऊपर की तरफ चलेगी, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो जो सीलिंग वाली जो फायर अलार्म है वो उसको सबसे पहले डिटेक्ट कर सकती है। तो इसीलिए हमें जो ये फायर अलार्म है उसको सीलिंग पे लगाना चाहिए ताकि तुरंत वो डिटेक्ट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी इज द करेक्ट आंसर। फोर स्कीमेटिक डायग्राम आर शोन इन फिगर 8.1 टू डिपिक्ट द डायरेक्शन ऑफ सी ब्रीज, विच ऑफ देम गिव्स द करेक्ट डायरेक्शन। देखो, सी ब्रीज जब भी, चाहे लैंड ब्रीज लिखा हो चाहे सी ब्रीज लिखा हो, इसका मतलब सिंपल से होता है, सी ब्रीज का मतलब होता है कि जो ठंडी हवा है वो नदी से आ रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठंडी हवा नदी से आ रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पता है कि दिन के टाइम की ये बात है, सी ब्रीज दिन के टाइम का होता है, लैंड ब्रीज जो है रात के टाइम का होता है। तो सी ब्रीज में क्या है, दिन के टाइम पे बहुत ज्यादा धूप रहेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा एयर जो है जल्दी गर्म हो जाएगा, आपका पानी जल्दी गर्म नहीं होगा और जल्दी ठंडा नहीं होता, जो जमीन है वो जल्दी गर्म हो जाएगी। तो जमीन का जितना भी पानी है वो ऊपर की तरफ जाएगा, हॉट एयर राइजेज अब ऊपर की तरफ गया, नीचे जो है लो प्रेशर एग्जर्ट हो गया, ठीक है, नीचे क्या हुआ, लो प्रेशर हुआ, लो प्रेशर हुआ तो यहाँ से जो सी ब्रीज से जो ठंडा पानी है वो इस तरफ आएगा, लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए वो इस तरफ आएगा, जिससे क्या होगा, ये जो गर्म हवा है वो इस तरफ जाएगी और इस तरीके से साइकिल चलता रहेगा। तो सी ब्रीज में आपको इस तरीके का कुछ साइकिल मिलेगा, सी, ठीक है, आंसर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर 8.2 शोज अ चाइल्ड ब्लोइंग एयर विद अ स्ट्रॉ नियर द ओपनिंग ऑफ अनदर स्ट्रॉ व्हिच हैज इट्स अदर एंड इन अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द लेवल ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक इन द स्ट्रॉ राइजेस अप एज सून एज द एयर इज ब्लोन ओवर इट्स अप ओपन एंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर राइज इन द लेवल ऑफ द ड्रिंक। एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, ये आपका कोई भी बॉटल है कोल्ड ड्रिंक का, उसमें ये स्ट्रॉ लगी हुई है और ये बच्चा जो है इस स्ट्रॉ से वो फूक रहा है, ठीक है, हवा को यहाँ से हटा रहा है। अब यहाँ से देखो, हवा जब दूर जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा, ये लो प्रेशर एग्जर्ट होगा तो ये जो यहाँ से कोल्ड ड्रिंक है इसका लेवल जो है वो राइज होगा, उस स्ट्रॉ में उसका लेवल राइज होगा, ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसका बेस्ट रीजन क्या है। तो बेस्ट रीजन क्या है कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो लो हो जा रहा है और उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ से जो इसका लेवल है, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक का जो लेवल है स्ट्रॉ में, उसका लेवल राइज कर रहा है। सो ब्लोइंग ऑफ एयर डिक्रीजेस प्रेशर ओवर द ओपनिंग ऑफ द स्ट्रॉ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आगे पढ़ लेते हैं। द स्ट्रॉ ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल कोलैप्सेस व्हेन एयर इज ब्लोन, गर्म हवा थोड़ी फेंक रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ब्लोइंग ऑफ एयर वार्म्स अप द एयर इनसाइड द स्ट्रॉ, ऐसा भी नहीं है। ब्लोइंग ऑफ एयर इंक्रीजेस द प्रेशर, नहीं, इंक्रीज नहीं कर रहा, डिक्रीज करता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग अ प्रिकॉशंस वन मस्ट टेक इन केस ऑफ स्टॉर्म इज अकम्पनीड बाय लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होती है तो आपको किसी ट्री के नीचे नहीं खड़ा होना है, अम्ब्रेला लेके, क्योंकि मेटालिक एंड होता है उसको भी लेके शेल्टर नहीं करना, ठीक है, किसी भी ओपन गैराजेस या स्टोरेज शेड्स वहां पे आपको शेल्टर नहीं लेना। अगर बस में बैठे हो तो चुपचाप वहीं बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो 4 जो है वो करेक्ट है। अब ये 4 किस में, डी में, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ईस्ट कोस्ट होता है ना वो ज्यादा प्रोन होता है साइक्लोन के लिए, ठीक है, ईस्ट कोस्ट जो है वो ज्यादा प्रोन, जैसे आपका, अगर मैं ये इंडिया का मैप देखूं तो ये आपका कहलाएगा, इस तरफ का जो होता है ये ईस्ट साइड है, ठीक है, तो ये वाला जो है, ये वाला एरिया, ये पूरा क्या कहलाएगा, ईस्ट कोस्ट कहलाएगा। और ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ये गोवा को लेते हुए ये जो पूरा एरिया है ये आपका वेस्ट कोस्ट कहलाएगा, वेस्ट कोस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ईस्ट कोस्ट एरिया है ना वो ज्यादा प्रोन होता है, और इसमें भी प्रोन जो है ज्यादा होता है उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है, और इसी उड़ीसा में जो है वो पूरी पाया जाता है, मतलब पूरी होता है, सॉरी, तो पूरी जो है वो ज्यादा प्रोन हो जाएगा साइक्लोन के लिए। तो इसका आंसर पूरी हो गया। मुंबई आपका इधर ही है, गोवा भी आपका इधर ही है, पोरबंदर आपका इधर ही है, तो ये सब इधर ही है आपके वेस्ट कोस्ट पे, तो ये प्रोन नहीं हुए इन कंपैरिजन टू दी
पुरी, ठीक है। तो आंसर 5 का बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ कर्टन इज हैंगिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द रूम। जैसे आप एक रूम है, ठीक है, और यहाँ पे एक जो है कर्टन लगा हुआ है, ठीक है, हैंगिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द रूम। अ लॉन्ग कॉरिडोर रन्स एट अ राइट एंगल टू द डोर, ठीक है। यहाँ पे एक डोर है और उसके राइट एंगल में यहाँ पे कॉरिडोर है, ठीक है। अब दैट इज पैरेलल टू द कर्टन, कर्टन के पैरेलल, देखो ये इसके पैरेलल है, ठीक है। इफ अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोस अलोंग द कॉरिडोर, अगर कॉरिडोर से एक स्ट्रॉन्ग विंड आई तो कर्टन किधर जाएगा, वो ऑब्वियसली वो रूम से बाहर की तरफ पुश होगा, ठीक है। तो गेट पुश्ड आउटसाइड द रूम, 6 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज चंडीगढ़ अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन। भाई चंडीगढ़ के पास ना तो सी है ना तो ओशन, मतलब उसके आसपास नहीं है, तो इसलिए वो अफेक्टेड नहीं होता, ठीक है। सिंपल आंसर, नेम द ओशन विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग रेन बियरिंग मॉनसून विंड्स इन केरला कोस्ट इन जून एवरी ईयर। ये आपका केरला है, ठीक है, और यहाँ पे पाया जाता है इंडियन ओशन, ठीक है। तो इंडियन ओशन इसका आंसर हो जाएगा, इंडियन ओशन, ओके। एयर अराउंड अस एक्सर्ट्स प्रेशर, एक्सर्ट करता है एयर, द मूविंग एयर, उसको हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट वो क्या है, वो अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, इसी वजह से ये विंड के मूवमेंट्स होते हैं। हाई स्पीड विंड कैन कॉज साइक्लोन इन द रीजन ऑफ लो प्रेशर, ठीक है, कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन क्वेश्चन नंबर 10, इफ विंड, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 10 में। तो इफ विंड फ्लोज फ्रॉम लैंड टू ओशन देन इट इज अ डे टाइम, नहीं वो नाइट टाइम होता है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। अ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विद अ हाई स्पीड सराउंडिंग इट फॉर्म अ साइक्लोन, हाई प्रेशर नहीं लो प्रेशर सिस्टम, तो यहाँ पे ये भी फॉल्स हो जाएगा। अ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट इज वल्नरेबल, नॉट नहीं होगा यहाँ पे, नॉट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो ये आपका अगेन फॉल्स होगा। साइक्लोन के लिए जो आपके कोस्ट लाइन होते हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, मतलब ज्यादा प्रोन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोस्ट लाइन में भी देखा जाए तो जो ईस्ट कोस्ट होता है वो ज्यादा अफेक्टेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वार्म एयर लाइटर देन कूलर एयर, इसीलिए तो वो राइज हो जाता है, वार्म एयर राइजेज अप, ठीक है, तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, टू एक्सपेल एयर हॉट एयर ऑफ द किचन ए हैज एन एग्जॉस्ट फैन फिटेड ऑन द विंडो। मान लीजिए ये किचन है, ठीक है, और यहाँ पे इसका विंडो लगा हुआ है, ठीक है, ये विंडो है, बड़ी विंडो हो गई, और यहाँ मान लीजिए ये ऊपर सीलिंग के पास जो है, सीलिंग से ऊपर नहीं करना, एक सेकेंड, फिर बनाते हैं, ये आपका रूम है और मान लीजिए कि सीलिंग के पास एक जो है एग्जॉस्ट फैन यहाँ लगा है और ये विंडो है, एक एग्जॉस्ट फैन यहाँ लगा दिया, ठीक है, यही इसको करते हैं। टू एक्सपेल हॉट एयर ऑफ द किचन ए हैज एन एग्जॉस्ट फैन फिटेड ऑन द विंडो, ये विंडो पे जो फिट हुआ है ये ए का है, ठीक है, एंड बी हैज एन सिमिलर एग्जॉस्ट फैन फिटेड ऑन द वॉल, ठीक है, ये एग्जॉस्ट फैन बी का यहाँ पे है, ठीक है। अब ये अलग अलग किचन है, मैंने एक ही में बता दिया आपको, हैज अ सिमिलर एग्जॉस्ट फैन फिटेड ऑन द वॉल नियर द सीलिंग ऑफ अ किचन, विच ऑफ द एग्जॉस्ट फैन विल एक्सपेल द हॉट एयर मोर इफेक्टिवली। तो आपको अगेन वही बात याद रखनी है, हॉट एयर राइजेज अप, तो जब हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज होगा तो ए से जाने के बजाय बी के पास ज्यादा एयर पहुंचेगा, गर्म हवा ज्यादा पहुंचेगा और यहां से गर्म हवा ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो बी का जो एग्जॉस्ट फैन है विल एक्सपेल द हॉट एयर मोर इफेक्टिवली, क्योंकि hot air rises up, so being at a greater height than A ka exhaust fan, volume of the air that will reach through B exhaust fan will be the more, okay, ye explanation hai iska. Question number 12, why is it advisable not to shut all the doors and the windows during a storm? तो storm के time पे क्या होगा कि storm कहाँ पे होता है, जहाँ पे pressure low हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत storm वाला condition है आपके area में और आपने अपने कमरे का पूरा door window सब कुछ बंद कर दिया, अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही, तो अंदर तो already थोड़ी बहुत हवा होगी ना, उसकी वजह से pressure बहुत ही low हो जाएगा, और अगर वो इधर उधर नहीं जाना, उसको नहीं air pass हो पाया, तो उससे क्या होगा, कहीं से तो पास करना है, तो वो एयर क्या करेगा, आपका जो छत है उसको उड़ा देगा। आपने कुकर में भी यही देखा होगा, कुकर में जो है एयर पास होना चाहिए, एयर पास होने के लिए वहां पे सीटी लगी होती है, ठीक है। अगर मान लो किसी तरीके से आप उस सीटी को जाम कर दो, ठीक है, तो अब उसको एयर निकालना है, बाहर की तरफ एक्सपेल करना है, क्योंकि अंदर लो प्रेशर हो गया है। अगर मान लीजिए वो सीटी जाम है तो क्या करेगा, पूरा का पूरा कुकर को ही उड़ा देगा, ठीक है, ढक्कन सहित, ठीक है। तो इस तरीके से, इसलिए जो है हमेशा पूरे दरवाजे पूरे विंडोज आपको शट डाउन शट नहीं करने चाहिए, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 13. अ फ्लैट इन मुंबई विद अ बालकनी फेसिंग द सी हैज सम क्लोथ्स हंग ऑन अ क्लोथ्स लाइन इन द बालकनी टुवर्ड्स विच डायरेक्शन द क्लोथ्स विल बी ब्लोन इन द आफ्टरनून. ध्यान देना, ये दिन के समय, जब दिन के समय होगा तो सी ब्रीज आपको याद रखना है, दिन के समय तो सी की तरफ से ठंडी हवा कहाँ आएगी, लैंड के पास, और यहीं पे घर बना हुआ है तो यहाँ पे कपड़े टंगे हुए हैं, ठीक है. तो सी से जब लैंड की तरफ एयर आएगी तो कपड़े जो है वो आपके कमरे के तरफ मूव करेंगे, ठीक है, ऐसे कपड़े जो है कमरे की तरफ मूव करेंगे, बस इतना याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. फिगर 8.3 यानी कि ये वाले फिगर की बात कर रहे हैं, शोज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रीज इन द आफ्टरनून, ठीक है, आफ्टरनून पे है, अलोंग द सी कोस्ट, स्टेट ऑन विच साइड इज द सी, तो सी किस साइड होगा. अब ये आफ्टरनून की यानी कि दिन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो सी है वो इसी तरफ होगा, तभी तो यहाँ से हवा इस तरफ चल रही लैंड की तरफ, तो ये इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो बी जो है वो सी की तरफ होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है, अ फ्लैग माउंटेड ऑन अ फ्लैग पोस्ट नियर द सी कोस्ट. मान लीजिए ये सी है और यहाँ पे फ्लैग कोस्ट पे एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है, जो फ्लैग फ्लटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द सी. अब मैंने यहाँ पे जो ये बना दिया है कि ये इस तरफ है, इसको यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से ये इस तरफ फ्लटर कर रहा है, ठीक है, सी कोस्ट फ्लटर इन द डायरेक्शन ऑफ द सी, तो ये सी की तरफ इसका जो फ्लैग है वो फ्लटर कर रहा है. एट वॉट टाइम ऑफ द डे डज दिस हैपन, ये किस समय की बात है, मिडनाइट की बात है कि आफ्टरनून की बात है. ऑब्वियसली जब वो सी की तरफ है तो ऑब्वियसली ये मिडनाइट की बात हो रही होगी, क्योंकि मिडनाइट के टाइम पे क्या चलता है, लैंड ब्रीज चलता है, लैंड ब्रीज, तो जमीन से जो ठंडी हवा है वो सी की तरफ आएगी, ठीक है, तो इसलिए ये जो है फ्लटर इस तरफ करेगा. लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इस वाले को कर लेते हैं. ऑन हीटिंग एयर, जब एयर हीट होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्सपैंड करेगा और वो राइज करेगा, ठीक है, हॉट एयर राइजेज अप, कूलिंग के टाइम पे ये डिसेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 17. पहेली ने क्या किया, एक एम्प्टी बॉटल ली, उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया और कुछ घंटे बाद उसने देखा तो उस रेफ्रिजरेटर में वो जो बॉटल है वो कोलैप्स हो चुका था. क्यों? क्योंकि वो जो आपका खाली बॉटल है उसमें जो एयर प्रेजेंट होगा वो एयर क्या होगा, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है, वो एयर क्या होगा, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा लो प्रेशर की वजह से, और इसके वजह से वो बॉटल जो है वो कोलैप्स हो जाएगी. व्हेन स्ट्रॉन्ग हाई, क्वेश्चन नंबर 18. व्हेन स्ट्रॉन्ग हाई विंड High speed winds blows an umbrella held. आपने कई बार देखा होगा कि आप कोई अम्ब्रेला लेके जा रहे हो, बहुत हवा तेज चल रही है, आपका अम्ब्रेला ऊपर की तरफ हो जाता है, तो क्या होगा उसमें, रीजन क्या है उसका, कि अम्ब्रेला के ऊपर से जब एयर पास होती है ना तो प्रेशर बहुत लो हो जाता है. लो प्रेशर से क्या होगा, नीचे से जो एयर है वो ऊपर की तरफ उठेगी और वो अम्ब्रेला को भी लेके ऊपर चली जाएगी, ठीक है, तो इस वजह से वो ऊपर की तरफ उठ जाता है. ऐसे हवा में लेके जाने की जरूरत नहीं है आपको, अम्ब्रेला खराब हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19. सजेस्ट सम प्रिकॉशंस. अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि कमरे के सारे दरवाजे सारे खिड़कियां नहीं बंद करनी चाहिए जब आप स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हो. क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंदर लो प्रेशर हो जाएगा. तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कुछ प्रिकॉशन बता दीजिए जिससे हम उस रूफ को बचा पाए ऑफ अ टिन शीट का बना हुआ है रूफ फ्रॉम फ्लाइंग अवे ड्यूरिंग अ फियर्स विंड स्टॉर्म. तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको उस जो टिन शीट है उसको बहुत अच्छे से स्क्रू से टाइट कर सकते हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े ब्रिक्स रख सकते हैं, और उससे भी बड़ी बात जो है सारे दरवाजे या खिड़की जो भी है उस घर पे वो पूरी तरीके से बंद नहीं करना है. जब बंद नहीं करेंगे तो लो प्रेशर नहीं एग्जर्ट होगा, एयर आएगी पास हो जाएगी और मामला सॉर्टेड रहेगा, ठीक है. सो विद दिस हमारा ये जो चैप्टर है और इसके MCQs वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन हमने कम्प्लीट कर लिए. सो थैंक यू, आई होप आपको सब समझ में आया होगा.